जय शिवराय, जय भीम, जय संविधान। महाविकास आघाड़ी की है मजबूरी, एडवोकेट बाड़ा साहब आम्बेडकर है जरूरी। दोस्तों, इस टाइटल का नाम आपने देखा। आज के बदलती राजनीति परिस्थिति में देखा जाए तो एक तरफ नरेंद्र मोदी भाजपा की सरकार है और दूसरी तरफ कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, शिवसेना, ठाकरे गट की महाविकास आघाड़ी है। और जिस तरह से भाजपा अपने विरोधियों को ईडी लगाकर उनको राजनीति से एक दबाव तंत्र का यूज कर रहे हैं, इससे कांग्रेस और जो विरोधी है वो डर गई है। उनके मुकाबले में महाविकास आघाड़ी कम कुवत नजर आ रही है। ऐसे में देखा जाए तो कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना ठाकरे गट को अगर 2024 के चुनाव में अगर जीतना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहता है तो उनको पास एक ही पर्याय है, वो है वंचित बहुजन आघाड़ी के नेता प्रकाश आंबेडकर। अगर प्रकाश आंबेडकर का उनको साथ मिलता है, अगर महाविकास आघाड़ी में प्रकाश आंबेडकर जाते हैं तो सीधी टक्कर भारतीय जनता पार्टी और महाविकास आघाड़ी की होगी। तब मजबूती से भाजपा के विरुद्ध में महाविकास आघाड़ी लड़ पाएगी। इसीलिए मैंने इस टाइटल का नाम महाविकास आघाड़ी की है मजबूरी, प्रकाश आंबेडकर है जरूरी। क्योंकि जिस तरह से देखा जाए तो कांग्रेस ने हमेशा ही दलित, आदिवासी, मुस्लिम, इनका सिर्फ वोट पाने का ही काम किया है। अगर नेतृत्व देने की बात आए तो उनको नामंजूर किया है और उनका एक ही मकसद था कि हमें वोट करो, आपको नेता नहीं बनाएंगे, सिर्फ वोट चाहिए, नेतृत्व नहीं चाहिए। यह कांग्रेस की पुरानी सोच है। आज जिस तरह से देखा जाए तो महाराष्ट्र के राजनीति में वंचित बहुजन आघाड़ी के नेता प्रकाश आंबेडकर ने उनके सभाओं में लाखों लोग आते हैं, जैसे नागपुर में स्त्री मुक्ति परिषद, वहाँ पे भी लाखों लोग आकर एक संविधान की रक्षा करने की बात की, संविधान की सम्मान करने की बात की। वैसे ही अमरावती में जो संविधान सम्मान सभा हुई उसमें भी वहाँ पे लाखों लोग आए और वो इनको एक नया नेतृत्व का इंतजार कर रहे हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी को हराना है तो श्रद्धेय बाड़ा साहब आम्बेडकर यह एकमेव नेता है जो कि भाजपा को हरा सकता है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आज देखा जाए तो एक तरफ मराठा आरक्षण है, दूसरी तरफ ओबीसी आरक्षण बचाव का एल्गार मोर्चा निकाल रहा है और मराठा आरक्षण को अभी तक आरक्षण नहीं मिला, सिर्फ वहाँ पे एक अधिसूचना जारी की है। तो आज सर्व समाज की बात एक ही नेता कर रहा है, वो बाड़ा साहब आम्बेडकर है। दोस्तों, अगर कांग्रेस को अपना वजूद बचाना है तो उनके पास पर्याय ही नहीं है, इसीलिए वो
बाड़ा साहब अम्बेडकर के महाविकास आघाड़ी में बुलाया है। दोस्तों, अगर यह समीकरण बनता है तो भारतीय जनता पार्टी यानि महायुति को हरा कर एक नया देश में एक नया संदेश जा सकता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वहाँ पे हरा सकते हैं। इस तरह से मैंने कहा है कि कांग्रेस को मजबूरी है कि बाड़ा साहब अम्बेडकर को लेना पड़ रहा है। दोस्तों, यह वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू। जय भीम, जय संविधान।